75 साल पुरानी परंपरा को आज भी इंदौर ने जीवित रखा हुआ है, जहां ऐतिहासिक निकलने वाले रंग पंचमी पर गैर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी शामिल हुए, जहां हिंद रक्षक के गैर में शुरू करने से पहले मुख्यमंत्री ने पूजा की और फिर गैर में शामिल हुए। इंदौर के गैर में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव हिंद रक्षक गैर में शामिल हुए। इसी दौरान मुख्यमंत्री के साथ इंदौर सांसद शंकर लालवानी, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौर, इंदौर महापौर पुष्यमित भार्गव मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश की जनता को रंग पंचमी की बधाई दी। इसके साथ ही कहा, अवध में होली मनाने की 17 लाख साल पुरानी परंपरा है। हमारे बीच ये त्यौहार भाईचारा और प्रेम बढ़ाता है। हर कोई इस प्रेम की मस्ती में डूबकर इस त्यौहार को मनाता हुआ नजर आता। इंदौर के इस गैर को यूनेस्को में स्थान दिलाने का प्रदेश सरकार पूरा प्रयास करेगी। मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश की जनता को, खासकर इंदौर वासियों को रंग पंचमी की बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। हमारे यहाँ भगवान राधा कृष्ण के ज़माने से होली का एक अलग आनंद है। वैसे अवध की होली भी 17 लाख साल पुरानी है। हमारे रंगों का यह त्यौहार परस्पर प्रेम भाईचारा बढ़ाने वाला है और हम सब अपने जीवन की कलुषता मिटा करके इस रंगों के त्यौहार में सराबोर होकर के जो प्रेम रंग में डूबते हैं कि हम दुनिया की तमाम दुश्मनियाँ भूल जाते हैं और शोक निवारण का भी यही त्यौहार होता है। होली से लेकर पंचमी तक ये मालवा में ही लगातार हर दिन आनंद के साथ गुजरता है। खास करके माँ अहिल्या की नगरी इंदौर में आज मैं इसमें रंगों की गेर में शामिल हुआ। मेरे साथ माननीय कैलाश विजयवर्गीय, हमारे वरिष्ठ मंत्री नगर जिला अध्यक्ष गौरव रणदिवे जी, हमारे लोकसभा के प्रत्याशी और सांसद शंकर ललवानी जी, हमारी विधायिका श्रीमती मालिनी गौड़, अभी अभी तुलसी भाई निकल गए, उनकी आँख का थोड़ा कष्ट था। हम सब ने मिलकर के रंगों के इस त्यौहार के माध्यम से परस्पर भाईचारा परमात्मा ये बढ़ाता रहे। खरगोन में लोगों द्वारा उत्साह और उमंग के साथ रंग पंचमी का पर्व मनाया। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर रंग पंचमी की बधाई दी। इस दौरान खरगोन नगर पालिका द्वारा पारंपरिक रंगारंग गैर निकाली गई, जिसमें हजारों शहरवासी उत्साह के साथ शामिल हुए। इस दौरान खासकर युवाओं और छोटे बच्चों में काफी उत्साह दिखाई दिया। रंग पंचमी पर निकलती गैर में हर कोई मस्ती के रंग में भीगने को आतुर दिखाई दिया। हर वर्ष की तरह इस बार भी रंगारंग गैर में लोग दुगने उत्साह के साथ शामिल होकर एक दूसरे को रंग पंचमी की बधाई देते नजर आए। इस दौरान फायर फाइटर से रंगों के फव्वारे छोड़े गए तो युवा जमकर झूमते नजर आए। वहीं खरगोन के राजेश रावत श्रृंगार मित्र मंडल द्वारा भी होली उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां जमकर रंग और गुलाल उड़ाया गया, जहां महिलाओं ने भी जमकर सूखे रंग बिरंगे रंगों से होली खेलते हुए होली के गीतों पर जमकर नृत्य भी किया। बुरहानपुर जिले के नेपानगर तहसील अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैदरपुर में जन्म प्रमाण पत्र बनाने को लेकर लोग परेशान होते रहे। तीन तीन महीने तक नहीं मिलते हैं प्रमाण पत्र। ड्रेसर बनाता है प्रमाण पत्र किंतु हफ्तों अनुपस्थित रहता है। बुरहानपुर जिले के हैदरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं पहुँचता ड्रेसर, जिससे मरीज तो होते ही है परेशान, साथ ही डिलीवरी हुए बच्चों के लिए भी नहीं बन पाते हैं जन्म प्रमाण पत्र। हफ्तों अनुपस्थित रहता है ड्रेसर दीपक, जिससे डिलीवरी की महिलाओं और जख्मी लोग परेशान होते हैं। यही नहीं, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र भी ड्रेसर दीपक ही बनाता है और उसके अनुपस्थित होने के कारण महीनों तक उन्हें जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिल पाता है। मामला हैदरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है। सर, वो जो हमारे यहाँ ड्रेसर है वो जन्म प्रमाण पत्र के लिए कागज लेते हैं, वो आगे जमा करते हैं, पर वो ऐसा है कि वो खुद लेते नहीं, हम लेके रखते हैं, वो भी फिर चार पांच दिन में वो खुद लेते हैं, फिर बाद में जन्म प्रमाण पत्र बना के तुरंत देते नहीं है। तीन तीन महीने, दो दो महीने पेशेंट को दौड़ाते रहते हैं। मतलब जितने भी पेशेंट सब परेशान होते रहते हैं। परेशान होते हैं। क्या नाम है ड्रेसर का आपके यहाँ पर जो प्रमाण पत्र बनाते हैं? दीपक गुप्ता। जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया का आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने वेस्टलैंड में संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ एक अहम बैठक की, जहां उन्होंने हर जिले की शहरी और ग्रामीण इलाके में हनुमान चालीसा केंद्र खोलने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत को हिंद राष्ट्र बनाना है तो हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा, साथ ही हनुमान चालीसा केंद्र हर जिले में खोलें, इससे धीरे धीरे सभी राज्य स्वयं ही हिंदू राज्य हो जाएंगे। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य है कि देश में 1 लाख हनुमान चालीसा केंद्र खोले जाएं। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि ये लोकतंत्र का उत्सव है, इसमें मतदान कर लोकतंत्र का उत्साह मनाएं। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कहा कि देश लोकतंत्र से चलता है, देश में सभी को न्याय मिल रहा है और मिलेगा, ऐसा विश्वास है, और सत्य आज नहीं तो कल निकल कर जरूर बाहर आएगा।
की चिंता करना शुरू किया है। अब तक 13,000 हनुमान चालीसा केंद्र शुरू हो गए हैं। हमारा प्रयास भारत में 1,00,000 हनुमान चालीसा केंद्र है। चुनाव आ रहा है, चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है और मैं सभी जनता को कहूँगा कि मतदान करके वोट डालकर यह उत्साह से मनाएं। जबलपुर रांची थाना क्षेत्र अंतर्गत झुरझुरू स्थित कृष्णा कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने बिल्डर गौरव शर्मा के खिलाफ रांची थाने में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जहां कॉलोनी वासियों का कहना है कि विगत 3 साल पहले बिल्डर ने झुरझुरू में कृष्णा कॉलोनी का निर्माण किया था, जिसमें करीब 20 परिवारों ने कॉलोनी में मकान खरीदा था। उस दौरान बिल्डर गौरव शर्मा के द्वारा डेवलपमेंट के नाम पर उसने अलग से 35,000 रुपए लिए थे, जिसमें बिजली पानी सड़क देने की बात कही गई थी। वहीं 3 साल बीत जाने के बाद भी कॉलोनी में बिजली देने को लेकर ट्रांसफार्मर आज तक नहीं लगा। जब जब बिल्डर से ट्रांसफार्मर को लगवाने की बात की गई तो वो कॉलोनी वासियों को धमकी दे रहा है। वहीं कॉलोनी वासियों का कहना है कि विगत 3 सालों से वो अंधेरे में रहने के लिए मजबूर है। बिल्डर गौरव शर्मा के द्वारा उनसे धोखाधड़ी की गई है, जिसको लेकर बिल्डर के खिलाफ कार्यवाही की मांग थाना प्रभारी से कॉलोनी वासियों ने की है। भैया, हम लोगों के लिए बिल्डर गौरव शर्मा के द्वारा की गई धोखाधड़ी और हम लोगों से लिए गए पैसे, हम लोगों से पैसा लिया गया था ट्रांसफार्मर के नाम पे, जो कि आज से विगत 6 महीने पहले लिया गया था। 6 महीने से वो हम लोगों को टाल रहा है कि आज ट्रांसफार्मर लगेगा, कल लगेगा, करते करते काफ़ी समय बीत गया। जब हम लोग उससे पूछते तो वो हम लोगों से अभद्रता से व्यवहार करता है और कहता है जाओ मैं लगा के नहीं दूंगा, जो करना है वो करो। हम लोगों ने उससे मकान लिया, मकान खरीदने के उसने मेरा प्लॉट जो है रीसेल करवाया था। रीसेल करवाने के बाद बोलता मैंने प्लॉट नहीं बेचा, तुम लोग जाओ मुझे बिल्डर सिद्ध करो, उसके बाद मैं देख लूँगा मुझे जो करना है। आज तक हम लोग बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। 36 घंटे हम लोगों के बच्चे बिना बिजली के रहते हैं, बिना सुविधा के रहते हैं, पढ़ाई में दिक्कत होती है हर चीज़ में। गर्मी के समय में हम लोग ऐसे ही पड़े रहते हैं, अंधेरा रहता है घर में। किस जगह पे आपने लिया था उससे मकान? ग्राम झुरझुरी पंचायत दिपनिया, उस जगह पे हमने उनसे प्लाट कृष्णा कॉलोनी उस जगह पे प्लाट हमने लिया उनसे। आगामी दिनों में होने वाले लोकसभा चुनाव और त्योहारों को ध्यान में रखते हुए कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जबलपुर में पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च किया। पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह के नेतृत्व में गढ़ा CSP देवेंद्र प्रताप सिंह और थाना गढ़ा का बल ने संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल फ्लैग मार्च किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को दृष्टिगत रखते हुए वेस्ट बंगाल की SSB की 53वीं बटालियन की एक कंपनी, जिसमें लगभग 75 अधिकारी और कर्मचारी जबलपुर जिले को मिले हैं, कंपनी द्वारा एरिया डोमिनेशन ये सुनिश्चित कराने के मतदान शांतिपूर्ण तरीके से और सुव्यवस्थित ढंग से हो और मतदाताओं को इस बात की पूरी स्वतंत्रता हो कि वे बिना किसी डर भय और परेशानी के अपने मताधिकार का उपयोग कर सके। इसके लिए शहर और देहात के अलग अलग थाना क्षेत्रों में संवेदनशील एरिया में फ्लैग मार्च प्रतिदिन किया जाएगा। थाना गढ़ा क्षेत्र में CAPF की कंपनी जो आवंटित हुई है आगामी चुनाव के लिए, उस कंपनी के साथ हम लोगों ने गढ़ा के संवेदनशील क्षेत्र गढ़ा बाजार और बैदराना मोहल्ला, मुजावर मोहल्ला, शारदा चौक आदि क्षेत्रों से फ्लैग मार्च निकाला है। आगामी चुनाव शांतिपूर्वक और निष्पक्ष संपन्न हो सके और जनता में पुलिस के प्रति प्रशासन के प्रति विश्वास की भावना जागृत हो, इसलिए इससे फ्लैग मार्च निकाला है। धार जिले के धर्मपुरी में नगर एवं आसपास क्षेत्र में रंगों और मस्ती का पर्व रंगपंचमी बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। रंगपंचमी के अवसर पर हिंदू उत्सव समिति द्वारा नीम चौक सराफा बाजार में भारत माता की आरती की, जिसके बाद रंगपंचमी की शुरुआत हुई। लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर रंगपंचमी की बधाइयां दी। पूरा नगर रंग गुलाल से सराबोर हो गया था। वहीं बच्चों ने भी जमकर होली खेली और होली का ऐसा खुमार छाया कि दिन भर ढोल नगाड़े और DJ पर झूमते नजर आए। साथ ही फायर वाहन से पानी की तेज बौछारें उड़ाई। रंगपंचमी को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा गया। महिला पुरुष बच्चे और युवा युवतियों की टोलियां अपने अपने मोहल्लों में रंग गुलाल से होली खेलते नजर आए। वहीं शाम 4 बजे गैर निकाली गई। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस प्रशासन सभी वहां उपस्थित रहे।